लोकसभा चुनाव खत्म होते ही दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन टूट गया है। गोपाल राय ने विधानसभा चुनाव अकेले लड़ने का ऐलान किया है। पहले से ये बहुत साफ है कि ये अलायंस लोकसभा चुनाव के लिए था। लोकसभा चुनाव हमने ईमानदारी से मिलकर के लड़ा है। दिल्ली जो विधानसभा का चुनाव है उसके लिए देश भर में कोई गठबंधन नहीं है, और दिल्ली के अंदर दिल्ली की जनता के साथ मिलकर के हम इस लड़ाई को लड़ेंगे और जीतेंगे। दरअसल कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने लोकसभा चुनावों को लेकर दिल्ली में गठबंधन किया था, जिसमें दिल्ली की 7 में से 4 सीटों पर आम आदमी पार्टी ने और 3 पर कांग्रेस ने उम्मीदवार उतारे। लेकिन 2019 की तरह इस बार भी 7 सीटों पर बीजेपी को जीत मिली।